आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि पता है कि हम पढ़ रहे हैं अंकगणित अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में हमारा नया टॉपिक चल रहा है इस समय फैक्टर गुणनखंड। गुणनखंड पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों। गुणनखंड के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो उसका बेसिक शुरू से स्टार्टिंग से लगा के फंडामेंटल्स लगा के जितना मैक्सिमम जा सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, उनके एक एक प्रश्नों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं गुणनखंड होता क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैक्टर। गुणनखंड को हम अगर एक और से जानना चाहें तो गुणनखंड को हम कहीं अपवर्तक भी पढ़ते हैं। आप अगर शायद आपको याद दिलाएं, आप पढ़े होंगे तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ में जो हम पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक, वो वही अपवर्तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड अर्थात अपवर्तक जान लेते हैं। जैसे हम कोई एक डिजिट लेते हैं, सॉरी एक नंबर लिए 12, 12 एक नंबर है, हमें यह पता करना है कि 12 के कितने गुणनखंड होंगे या कौन कौन से अपवर्तक होंगे। तो अपवर्तक दोस्तों वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को के ऐसे खंड जो उस दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करते हैं। तो 12 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होगा। फिर इसके बाद अगला नंबर जिससे डिवाइड होगा 2 होगा। फिर इसके बाद अगला नंबर जो जिससे डिवाइड होगा 3 होगा। फिर इसके बाद अगला नंबर 4। फिर इसके बाद 6। क्या 1 से लगा के 12 तक में इनके अलावा छोड़कर कोई ऐसा डिजिट है जो 12 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, अर्थात 12 को पूरी तरह से विभाजित कर दे? तो इसके अलावा कोई नंबर हो नहीं सकता। तो 12 के कुल कितने फैक्टर हुए, कितने गुणनखंड हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 के 6 गुणनखंड प्राप्त हुए। तो अब अपवर्तक और गुणनखंड की अगर हमें परिभाषा लिखनी हो या इसके बारे में इसको डिफाइन करना हो तो सीधा सा बिल्कुल आसान सा तरीका है, एक बार सुनना और एक बार में क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऐसा पूर्णांक या कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या जिसके ऐसे खंड जो उस दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें, उस दी गई संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी भी दी गई संख्या के ऐसे खंड जो उस दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें, उस दी गई संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। अब पूरा अपवर्तक गुणनखंड में इसी पर आधारित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहीं कहीं पे हमें प्राइम फैक्टर निकालना होता है, कहीं कहीं पे हमें सम गुणनखंड निकालने होते हैं, कहीं पे हमें विषम गुणनखंड निकालने होते हैं, कहीं कहीं पे प्रश्न में पूछता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो एक ही टॉपिक से कम कितने तरह से प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, हर एक एक प्रश्न की चर्चा हम आपसे विस्तृत करेंगे। तो जैसा कि आपको गुणनखंड के बारे में क्लियर हो गया होगा, इसके बाद अब आता है कि इसमें कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितने तरह के प्रश्नों गुणनखंड से बनने की है। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा जाता है कि हमें बताइए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। जैसा कि आपको पता है, अर्थात सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो 12 के कितने गुणनखंड मिले हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम बेसिक तरीके से समझे तो हमें 6 गुणनखंड मिले जो 12 को विभाजित कर सकते हैं, लेकिन जब हमें एग्जाम में हल करना होगा तो वहां पे केवल 12 नहीं होगा, इससे बड़ी भी संख्या आ सकती है। तो तब हम कैसे निकालेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसी होगी? बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप ध्यान से देखते जाना। वैसे तो हम पता कर लिए कि अगर पूछ ले कि 12 के कुल कितने फैक्टर, कुल कितने गुणनखंड है, तो आप बता देंगे 6, एक तरीका ये होगा। लेकिन अगर हमको एक फार्मूले के तहत, एक नियम के तहत, एक कॉन्सेप्ट के तहत बताना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसको, उसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, फिर अगली संख्या फिर 2 से डिवाइड होगी, 2 3 6, फिर 3 से डिवाइड होगा 1।
अब इसके 12 के प्राइम फैक्टर निकल कर हमारे सामने आ गए हैं। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर निकल रहे हैं हमारे सामने वो 2 × 2 × 3 इसके प्राइम फैक्टर। अब 2 × 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि जब आधार समान हो तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, ये घातांक का नियम है। इसके बाद अगला जो फैक्टर है 3 की पावर 1, हमारे पास प्राइम फैक्टर के रूप में 12 के 2 × 3 के रूप में संख्या तैयार हो गई है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? जो 2 की पावर 2 है सीधा है, पावर के मान में घात में 1 जोड़ देंगे, फिर अगला नंबर लिखेंगे, 3 की पावर 1 है, 1 की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो संख्या आती है 2 × 3 × 2 और इसका गुणा करेंगे तो 6। देखो जब अभी हम ऐसे फॉर्मल तरीके से पता कर रहे थे तो 6 ही गुणनखंड में मिले थे 12 के, और है भी 1, 2, 3, 4, 6, कुल 12 6 गुणनखंड प्राप्त हुए फैक्टर। अब यहाँ जब इसको एक फार्मूले एक कॉन्सेप्ट में रखने कोशिश किए तब भी उसमें हमें 6 ही गुणनखंड प्राप्त हुए। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके कुल फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप समझ गए। अब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी कि ये 6 कैसे हो गए, यहाँ 2 की पावर 2 है तो सर 1 क्यों जोड़ा जा रहा है, इसमें 1 क्यों जोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपका सोचना बिल्कुल सही है, इसका भी हम तरीका बता रहे हैं कि 1 क्यों जोड़ा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे 12 के फैक्टर में हमारे पास 1 भी फैक्टर है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी हमने इसके मल्टीपल में इसके कहीं भी गुणनखंड में हमने 1 तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो जब 1 नहीं लिखे तो 1 भी तो होगा, 12 1 से भी विभाजित होगा, उसको काउंट नहीं किया गया यहाँ पे। तो जब हम निकले, देखो जब 12 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 के रूप में संख्या निकल जाएगी। जब हम 2 की पावर 2 के गुणनखंड लिखेंगे एक एक फैक्टर लिखेंगे तो एक फैक्टर होगा 2 की पावर 0, एक फैक्टर होगा 2 की पावर 1, एक फैक्टर होगा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 ही तो था मैक्सिमम यहाँ प्राइम फैक्टर में इसकी घात। तो हमने 2 की पावर 2 के सारे फैक्टर लिख लिए। इसी तरह 3 की पावर 1 का भी 3 की पावर 0, क्योंकि इसमें 3 की पावर 0 याद रखें, कभी भी अगर पूछे किसी भी संख्या, कोई भी संख्या A to Z कोई भी नंबर से लिखा हो, अगर उसकी पावर 0 दे दे, अर्थात कोई भी नंबर A है उसकी पावर 0 है, तो उसका मान ऑलवेज 1 होगा, हमेशा 1 होगा। 1 क्यों होता है, आप इसको लॉग के नियम से निकाल सकते हैं और बेसिक फ्रैक्शन बना के भी हल करके बता देंगे आपको कि क्यों 1 की पावर 0 का मान 1 होता है। तो इतना समझ जाइए कि 1 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, 2 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, 3 की पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। चूंकि 3 की पावर 1 तक है तो हम 3 की पावर 1 तक फैक्टर लिखेंगे। अब देखो 2 की पावर 2 के सारे फैक्टर लिख गए, 3 की पावर इसके सारे फैक्टर लिख गए, अर्थात 3 की पावर तो 1 ही थी। तो अब यहाँ पे हमने 2 फैक्टर किस बेसिस पे लिख दिया, इसलिए लिख दिए क्योंकि 1 3 तो 3 से कटेगा ही और 1 से भी कटेगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर 0 इक्वल होता 1 के, 2 की पावर 0 इक्वल होता 1 के, तो इसलिए 1 1 गुणनखंड इसमें बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब यहाँ 1 1 गुणनखंड बढ़ गया तो यहाँ 2 की पावर 2 ही हम क्यों लिखते, इसलिए हमने 2 की पावर में 1 प्लस करके फैक्टर लिखे, क्योंकि हमें कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी थी, इसलिए 1 + 1 करके यहाँ पर 2 गुणनखंड माने जाएंगे, इसलिए तभी हमारा एग्जैक्ट सही निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट हाथ में जोड़ देते वो कभी गलत, वो सही हो ही नहीं सकता। अब ये बात क्लियर हो गई कि 2, 3 और 2, अभी देखो इससे निकालेंगे तो आपको कैसे निकलेगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं मल्टीपल में गुणा में है, तो अब इसके फैक्टर अगर हमको निकालने हो तो कैसे करते हैं? हमारे पास 2 के 3 फैक्टर आए, बारी बारी से, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो बारी बारी से फैक्टर निकालते हैं। 2 की पावर 0 का मान होगा 1, 3 की पावर 0 का मान होगा 1, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 की पावर 0 का 3 में गुणा करेंगे
क्योंकि एक दो की पावर जीरो का मान एक होता, एक का गुणा तीन से करेंगे तो तीन एक कम तीन आ जाएगा। फिर अब दो का दोनों में गुणा हो गया, अब दो की पावर एक का दोनों में गुणा करते हैं, ये दो की पावर एक है, दो की पावर एक का एक से गुणा होगा तो आएगा हमारे पास गुणनफल दो। फिर दो की पावर तीन में गुणा करेंगे तो दो एक कम दो, यहाँ दो की पावर एक का मान दो होगा, तीन की पावर एक है, दो गुणे तीन अर्थात सिक्स आएगा, छह आएगा। दो की पावर एक का भी दोनों में गुणन, दोनों गुणन तीन के दोनों गुणन खंडों में गुणा हो चुका है, अब दो की पावर दो अर्थात चार का गुणा करेंगे, चार का गुणा एक में करेंगे तो आएगा फोर, फिर चार का गुणा करेंगे तीन में तो चार तीन आएगा बारह। काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, कुल फैक्टर हमें कितने मिले छह, यहाँ पर उत्तर कितना आया था छह, यहाँ पर उत्तर कितना आया था छह। तो एक ही सवाल को समझने के लिए आप कितने सारे तरीके अपनाएं, अब जो बेस्ट होगा, जो एग्जाम के हिसाब में आपको इस समय को बचत करे, जो सही लगे, जो चीजें सही हो आपके समय एग्जाम की दृष्टि से, आप उसको आगे कैरी करेंगे। जरूरी तीनों चीजें, क्योंकि तीनों अलग नहीं है, तीनों की समझ है, कहीं ना कहीं इसका भी अपना समझ है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि यहाँ पर ये चीज़ें, ये नियम, ये क्यों लागू कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ें की क्लियरिटी होगी तो आप कभी काम से भूल ही नहीं सकते। तो ये रही कुल गुणनखंडों की संख्या, शायद आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। अभी हम एक दो सवाल करा के आपको प्रैक्टिस करा देते हैं और भी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे अगली संख्या ले लेते हैं, अगली संख्या हमारे पास है 18। अब हमें 18 के कुल फैक्टर बताने हैं। एक बेसिक सा तरीका आपको बताएं कि 18 की वो सारी संख्या लिख दी जो 18 को डिवाइड करती हो, विभाजित करती हो। तो जाहिर सी बात, एक तो हर एक संख्या को डिवाइड करती, हमने एक लिख दिया, अगली संख्या हो जाएगी दो से डिवाइड होगा, फिर इसके बाद तीन से डिवाइड होगा, तीन के बाद होगा 18 डिवाइड होगा छह से, फिर इसके बाद अगली संख्या नौ होगी, इसके बाद सीधा 18 होगा। अब देखिए जो हमारे फैक्टर लिखे, क्या ये सही है? अभी आगे चल के जो हमने बताया था आपको फार्मूला, उससे कंफर्म हो जाएगा। हमने बताया कि सबसे पहला काम है 18 के आप प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो 18 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो दो ना 18, इसके बाद तीन से डिवाइड होगा, तीन तरीक का नौ, फिर तीन एक कम तीन अर्थात दो, और तीन तरीक का नौ और दो 18, इसके प्राइम फैक्टर निकल आए, अर्थात प्राइम फैक्टर हमारे पास 18 के निकल के प्राप्त हुए 2 × 3 की पावर 2, ये तो प्राप्त हुआ। अब आपको हमने बताया था कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए आपको घात जो लिखी है उसमें एक प्लस करके गुणा कर देना है। अब ये तो बताने की बार बार जरूरत नहीं हमें कि एक क्यों प्लस किया जाता है, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 में गुणे में इसमें एक भी छिपा हुआ, यहाँ भी एक छिपा हुआ, इसलिए एक एक प्लस करके लिखेंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 के 2 फैक्टर होंगे, 3 की पावर 2 के 3 फैक्टर होंगे, तो इसलिए एक में एक जोड़ेंगे और गुणे, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे गुणे, तो एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर इसके बाद गुणा करेंगे 2 × 1 = 3। अब ये देखिए कुल कितने गुणनखंड होंगे, 6, अर्थात 18 को विभाजित करने वाले कुल गुणनखंडों की संख्या 6 है, कुल फैक्टर की संख्या 6 है, 1, 2, 3, 6, 9। तो ये कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में अगर कभी भी पूछे तो आप ऐसे निकालेंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप है, अगले तरह के प्रश्न पूछे, ये तो रहे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने की। अब कुल गुणनखंडों में आप देखेंगे कि संभी गुणनखंड इसमें शामिल है और विषम गुणनखंड भी शामिल है। तो जब दोनों गुणनखंड शामिल है तो हमसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि कुल सम गुण 18 के कुल सम गुणनखंड कितने हैं, 18 के कुल विषम गुणनखंड कितने हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो जब कुल सम गुणनखंड निकालने की बात आए, अगला स्टेप है, बी नंबर है हमारा, टाइप ए हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या, टाइप बी में हम निकालेंगे कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या,
कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको भी आपको हम बहुत ही आसान भाषा में अब बहुत ही सहजता के साथ, सरलता के साथ विद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। आपको जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गुणनखंड। कुल सम गुणनखंडों, जैसे कि अभी हमें एक नंबर ले लेते हैं जो आपके सामने अभी हमने लिखा था 18 के हमने जब कुल फैक्टर लिखे थे तो कुल फैक्टर में हमने एक लिखा था, आपको पता होगा, फिर हमने दो लिखा था, फिर तीन लिखा था, फिर अगला फैक्टर 6 लिखा था, फिर 9 लिखे थे, फिर 18 लिखे थे। अगर हम आपसे पूछें, जैसा कि आपको हमने पहले इवन नंबर को पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम में, कि इवन नंबर होता क्या है, ऐसी संख्या जो दो की गुणज हो, दो की मल्टीपल हो, या ऐसी डबल डिजिट की संख्या जिसके, या डबल ट्रिपल डिजिट की संख्या जिनके लास्ट में 0, 2, 6, 4, 8 हो, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्याएं हमें कौन कौन सी लग रही है, एक ये लग रही है, एक ये और एक। तो ऐसे में हमको तो पता चल गया कि भाई सम गुणनखंड कुल 18 के 3 है, एक 2 है, एक 6 है, एक 18 है। लेकिन इसको हम जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या निकाले थे तो उस तरीके से कैसे निकालेंगे, आपके दिमाग में इसी प्रश्न बनना चाहिए। तो उसको निकालने का तरीका आपको हम बताएंगे, देखते जाना, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, एक भी चीजें मिस नहीं होंगी। देखो 18 के जब हम आपको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोले थे तो आया था 2×3^2। यहां तक चीजें कंफर्म थी, यहां तक सेम प्रोसेस रहेगा और इसकी घात 1। लेकिन प्रोसेस अब इसके बाद बढ़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा समझना है। 2^2 जैसे है तो 2^2 में हमने इसके कितने फैक्टर लिखे थे, 1, 2, 3, अर्थात जितनी पावर थी उससे एक ज्यादा फैक्टर, इसलिए लिखा गया था क्योंकि 2^0, 2^2 में एक भी गुणनखंड होता है। अब यहाँ पे हमको बताना क्या है दोस्तों, सम गुणनखंड बताना है, चूंकि सम गुणनखंड बताना है तो इसलिए 2^0 अर्थात 1 का तो कोई बात ही नहीं है, एक की तो हमको बात ही नहीं करनी है, क्योंकि एक सम संख्या है दोस्तों की विषम संख्या है। जैसा कि आपको पता है कि एक हमारा ऑड नंबर है, जब एक ऑड नंबर है तो हमको बताना क्या है, इवन नंबर, तो हम एक को यहां से भूल जाएंगे, एक की बात ही नहीं करेंगे। जब एक की बात नहीं करेंगे तो 2^1 में कुल कितने फैक्टर होंगे, सम फैक्टर, क्योंकि 2^0 ऑड नंबर है तो इसको हम नहीं लेंगे सम फैक्टर में, तो केवल ओनली हम लेंगे 2^1। तो इस हिसाब से यहाँ पर केवल एक बचा, तो जब यहाँ पे 2^1 में एक बचा और बाकी, चूंकि आप इतना जब हम आपको बता रहे थे सम और विषम संख्या बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि जब कभी भी दो, ध्यान समझते जाना दोस्तों, एक सम संख्या हो और इसके साथ एक विषम संख्या हो, अर्थात इवन ऑड का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो रिजल्ट पॉसिबल है हमेशा ऑलवेज इवन नंबर ही आएगा। क्योंकि आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर आप यहाँ पे तो 2^1 0 वाला नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ 3^0 वाला काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2+1 करके लिखेंगे आप, क्योंकि आगे हम अभी लिखने वाले हैं, तो इसलिए लिखेंगे प्यारे बच्चों मेरे, क्योंकि 2^ जब 3^0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि 1 आएगा 2 का और इवन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर आएगा 2, तो 2×1=2, इसलिए 3 के हम सारे फैक्टर लेंगे और सम वाले में केवल 2^0 छोड़ के सारे फैक्टर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे केवल 2^1 में केवल एक फैक्टर बचेगा, गुणे 3^2 में एक जोड़ के फैक्टर लेंगे, अर्थात एक जोड़ेंगे तो हमारे पास एक गुणे में रह गया, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 2 में एक में 3 का गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। तो हमारे पास कुल सम गुणनखंडों की संख्या हुई 3। तो यहाँ पे अभी हम आपको बताए थे कितना था, 3 अर्थात 3। तो ऐसे हम निकालेंगे कुल सम गुणनखंडों की संख्या। जहां तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें,
और इसी तरह आगे भी प्रश्नों का अभ्यास कराते रहेंगे। आज पर हमारा आज के दिन की हमारी क्लास यहीं होती है समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह हमसे जुड़े रहें। शुभ रात्रि।